हेलो दोस्तों, मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। आज हम सीखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती लेसन नंबर 10, थ्री सैक्स ऑफ राइस। शुरू करते हैं। थ्री सैक्स ऑफ राइस, राइस यहाँ पर दिया है यानी चावल की बोरिया। तो ये जो कहानी है ये तीन चावल के बोरियों की कहानी है। तो इसमें इसका नाम थ्री सैक्स ऑफ राइस क्यों है देखते हैं। यू मे हैव रीड मैनी स्टोरीज अबाउट थ्री ब्रदर्स। आपने तीन भाइयों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी। यूजुअली टू ऑफ देम द एल्डर वंस आर स्ट्रांग क्लेवर बट अनकाइंड। तो हमेशा की तरह होता क्या है कि जो बड़ा होता है वो स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है, होशियार होता है, लेकिन अनकाइंड होता है यानी निर्दयी होता है। दे लॉफ एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड। और वो जो है बड़े दोनों के दोनों छोटे भाई का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल स्वभाव का होता है और सॉफ्ट हार्टेड यानी कि कोमल हृदय वाला होता है। आवर स्टोरी ऑल्सो हैज थ्री ब्रदर्स who lived in a small town, but they were all three of them honest, kind and hardworking. तो ये जो हमारी आज की जो कहानी है वो तीन भाइयों की ही है जो एक छोटे से शहर में रहते थे। तो लेकिन वो जो तीनों भाई थे, तीनों कैसे थे? honest, kind and hardworking। कैसे थे तीनों? ईमानदार थे, दयालु थे और मेहनत करने वाले थे, मेहनती थे। द एल्डर वन रैन अ शॉप। जो बड़ा भाई था वो एक दुकान चलाता था। द मिडल वन वॉज अ प्रीस्ट। और जो मिडल था, जो मझला भाई था, वो पुजारी था। एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन। और जो सबसे छोटा था उसने बस अभी अभी उसकी पढ़ाई खत्म की थी। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. तो उसने क्या किया, फिर कोई भी काम करने शुरू कर दिए थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए और व्यापार सीखने के लिए। उसने जो भी काम आया वो करना शुरू कर दिया। All three of them were fond of their mother. और जो वो तीनों भाई थे वो उनकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ? वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर। उनके पापा के मित्र उनकी माँ से मिलने के लिए आए, तीनों भाइयों की माँ से मिलने के लिए आए। ही सेड सिस्टर यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रॉस्पेरस बिजनेस। तो वो जो फ्रेंड थे उनके पापा के, वो कहते हैं कि बहना आप तो जानती हो कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो व्यापार है वो कैसा है, प्रॉस्पेरस है यानी कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्यापार है मेरा। बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ मैरिजेबल एज। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ एंड और मेरी जो एक लौती बेटी है वो भी अभी मैरिजेबल एज में यानी कि विवाह योग्य हो गई है। आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ हु वुड बी अ गुड हस्बैंड टू माई डॉटर एंड हु वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल। तो वो कहते हैं कि मैं एक जमाई ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी बेटी के लिए, डॉटर यानी बेटी, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पति साबित हो और मेरे बिजनेस को भी अच्छे से हैंडल कर सके। आई लाइक ऑल यूअर सन्स। मुझे आपके तीनों, आपके जो तीनों बेटे हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। इफ यू परमिट, यदि आप आज्ञा दे, परमिट यानी आज्ञा देना, यदि आप आज्ञा दे, आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान। तो वो कहता है कि बहना यदि आप आज्ञा दो तो मैं उनमें से किसी एक के साथ मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक प्लान है कि वो एक जवाई कैसे
तीनों में से किसे चुने? He discussed the plan with her and she agreed quite readily. तो उन्होंने क्या किया फिर, तीनों भाइयों की माँ जो थी उनके साथ वो प्लान डिस्कस किया और उनकी माँ भी मान जाती है. The next day, the friend went to each of the three brothers one by one. अगले दिन क्या हुआ, जो फ्रेंड था वो उनके तीनों भाइयों के पास एक एक करके गया. He gave them each a sack of rice. और उसने सबको क्या दिया, एक एक चावल की बोरी दी. And said, और कहा, My dear boy, I am going away for few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. कहते हैं, बेटा मैं कुछ महीनों के लिए आवश्यक कार्य हेतु बाहर जा रहा हूँ, तो तुम लोग ये जो चावल की बोरी है इसका ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक. एंड द फ्रेंड वेंट अवे, और फिर वो जो फ्रेंड है वो चला जाता है. मैनी मंथ पास्ड बट ही डिड नॉट रिटर्न, बहुत से महीने हो जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते. It was nearly a year before he came back. और जब वो वापस आए तब लगभग एक साल हो चुका था. He visited the eldest brother first. सबसे पहले वो कहाँ पर गए, eldest brother के पास गए. The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. तो जो बड़ा भाई था उसने पहले तो उन अंकल का स्वागत किया और फिर उन्हें उनके हाथों में एक पैसे से भरा हुआ पर्स उनके हाथों में थमा दिया. अंकल, यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी, आप मेरे पास एक चावल की बोरी रख कर गए थे. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, आई वॉज वरीड, मुझे चिंता होने लगी थी कि ये खराब ना हो जाए चावल. Therefore, इसीलिए I sold the rice to my customers. तो मैंने जो राइस थे, जो चावल थे वो मैंने कस्टमर्स को बेच दिए. Here's the money I got. और उनसे जो पैसे मिले वो ये है. Please accept it. यानी आप इसे स्वीकार कीजिए. Thank you, my boy. You are such an honest person. तो वो अंकल कहते हैं कि थैंक यू बेटा, तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो. ऑनेस्ट पर्सन यानी ईमानदार व्यक्ति. ठीक. देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर हु वाज अ प्रीस्ट. उसके बाद वो जो फ्रेंड है वो जाते हैं मझले भाई के पास, मिडल ब्रदर यानी मझला भाई, हु वाज अ प्रीस्ट, जो कि पुजारी था. The priest greeted him with joy and affection. तो उस पुजारी ने क्या किया, उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, आनंद और हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और कहा, and said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. आपको याद है आप एक साल पहले मेरे पास एक चावल की बोरी रख कर गए थे, चावल की एक बोरी. आई हैड केप्ट इट फॉर मैनी मंथ्स, मैंने उसका बहुत महीनों तक मैंने उनका ध्यान रखा. बट देन आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, फिर बाद में मुझे चिंता हुई कि वो चावल खराब ना हो जाए. तो आई डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित कर देना, बांट देना, दान दे देना. तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग द पुअर इन योर नेम, तो मैंने वो चावल जो है वो गरीबों में बांट दिए आपके नाम से. दे ऑल ब्लेस्ड यू, और वो सभी आपको आशीर्वाद दे रहे फॉर सैटिस्फाइंग देयर हंगर, उनकी भूख शांत करने के लिए वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. हाउ एवर आई डिड दैट विदाउट योर परमिशन, हालांकि मैंने ये आपके आज्ञा के बिना किया, अनुमति के बिना किया. आई एम विलिंग टू पे यू बैक फॉर द राइस, मैं चाहता था कि आपको राइस वापस करूं, पर वो खराब हो जाते तो इसलिए मैंने आपके नाम से गरीबों में बांट दिए.
नो माय बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली। नहीं बेटा, तुमने अच्छे से होशियारी से काम किया है और दयालुता वाला काम किया है। द ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। उन गरीब लोगों से जो आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत है, इनफ फॉर मी। प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर, और प्लीज अभी उन पैसों के बारे में कुछ भी मत सोचो। When the friend went to visit the youngest one, उसके बाद वो फ्रेंड जो है वो सबसे छोटे भाई के पास जाते हैं। He too welcomed him with love and respect, वो भी उन्हें प्यार से आदर के साथ उनका स्वागत करता है। But he said that, लेकिन वो क्या कहता है? He had a confession to make, उसे अंकल के सामने कुछ बातें कन्फेस करनी थी। तो क्या बातें कन्फेस करनी थी? The sack of rice was lying with me for a long time. एक चावल की बोरी जो आप मुझे देकर गए थे, तो वो मैंने बहुत समय तक संभाल कर रखी। But then I had an idea. लेकिन मुझे एक आइडिया आया, एक विचार आया। I often go to a neighboring farm to help with the work. मैं काम के सिलसिले में पास ही में पड़ोस में जो खेती थी वहां पर मदद के लिए गया। I borrowed an unused plot of land from the farmer, और मैंने उस फार्मर से वो जो जमीन का टुकड़ा था खेती करने के लिए उनसे उधार लिया, यानी किराए पर लिया। I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. उसके बाद फिर मैंने राइस के धान बनाए और धान फिर उनको मैंने जमीन में बो दिया। Fortunately, the crop grew well, और भाग्य से फसल भी अच्छी हुई। क्रॉप यानी फसल। एंड yielded 25 sack of rice, और उसमें बढ़ोतरी कितने की हुई? चावल की एक बोरी से 25 चावल की बोरियां उन्होंने बनाई। I have kept back 5 of the sacks and sold 20 of them. तो मैंने क्या किया? उसमें से जो पार्ट्स थी वो मैंने फार्मर को उसके जमीन के बदले में दे दी और जो 20 बची थी वो मैंने बेच दी। Here's the money, ये रहे पैसे। If you allow, यदि आप allow करें, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spend to get it all done. फिर वो कहता है कि यदि आप आज्ञा दे, तो मैं इन पैसों में से मेरा share निकालना चाहता हूँ, मेरा हिस्सा। मैंने जो भी मेहनत की है, जो भी खर्चा किया है ये सब काम करने के लिए, तो मेरा हिस्सा मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ। A wide smile spread on the friend's face, और वो जो फ्रेंड था उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। Wide smile, he had found his future son-in-law, और उसे उसका भविष्य का जमाई मिल जाता है। इस प्रकार उन्होंने सबसे छोटे भाई को ही क्यों चुना? क्योंकि छोटे भाई ने चावल की एक बोरी को बढ़ाया, यानी और एक जो व्यापारी होता है वो भी हमेशा व्यापार को बढ़ाने की सोचता है। जिसका व्यापार ही नहीं बढ़ता उसे व्यापार की समझ ही नहीं होती, यानी ये जो सबसे छोटा भाई था उसमें व्यापार की समझ थी और इसीलिए उन्होंने उसे चूज किया। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।